नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 नवंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे, लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। उसके बाद देखिए, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ले जाने होंगे कई मूल दस्तावेज। अभी से दोस्तों कर ले तैयारी। उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आई, प्रयागराज से होगी टेट की ऑनलाइन निगरानी। आज होने वाली बैठक में दोस्तों समझाए जाएंगे जिम्मेदारी। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंसर की का विवाद है, प्रकरण के अभ्यर्थी पहुंचे जनता दरबार। द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट डाउनलोड करे लिंक। जी हाँ दोस्तों, देखिए 2019 बैच के छात्रों के लिए भैया सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जरूरी है, तो उसका भी दोस्तों हमने लिंक दे दिया है, तभी आप लोग यूपी टेट का पेपर दे पाएंगे। उसके बाद एक और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अब बहुत ही जल्दी जारी हो सकता है। ये इस समय की दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है अगले एक हफ्ते के अंदर, जी हाँ दोस्तों, मतलब उससे पहले भी जारी हो सकता है। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि नवंबर के लास्ट तक हो सकता है कि रिजल्ट आपके पास हो बच्चे, लेकिन फिलहाल यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया हमारा जो रिजल्ट है वो यूपी टेट पेपर के बाद ही आए। जी हाँ दोस्तों, अगर बैक लग गई गलती से भी तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो फिलहाल इसीलिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारा ठीक है यूपी टेट पेपर के बाद है। चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है। जैसे ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा, सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर क्या है कि क्या बच्चे वो यूपी टेट का पेपर दे पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों अभी कुछ क्लियर तो नहीं, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड निकाल लिया, सब कुछ, तो एक बार आप कोशिश करिएगा। अगर मौका मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, यूपी टेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप लोग अपने यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, लेट लतीफी का आलम देख सकते हैं कि भैया अभी तक स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सबमिट स्कूटनी फॉर्म फॉर सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लेट लतीफी हो रही है। मतलब बताइए, एक महीने का मतलब ये समय ले लेते हैं स्कूटनी के आवेदन के लिए, उसके बाद रिजल्ट में देरी करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है गाइस कि जनवरी तक, मतलब फरवरी नहीं आएगा, जनवरी में हर हालत में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर वैकेंसी आएगी ठीक है ना, तो फिर जल्दी ही आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई तब वैकेंसी नहीं आ पाएगी। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम देखते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर दोस्तों अभी तक आपने मतलब यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया या नहीं कर पा रहे, तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वैसे आपने कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पासवर्ड भूल गए या किसी और कारण से वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों के लिए। तो इस अपडेट को दोस्तों पहले देखते हैं। देखिए, यूपी टेट में इस बार शामिल होने के लिए तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 28 नवंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के परिणाम 28 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब दोस्तों एक महीने का समय लगेगा। सोचिए, 21 लाख बच्चों की कॉपियां एक महीने के अंदर चेक होंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीएलएड में भैया हमारा जो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, इतना ज्यादा लेट लतीफी की गई। तो यूपी टेट का दोस्तों एडमिट कार्ड हो चुका है जारी। ठीक है, 28 नवंबर को आयोजित होने वाली यूपी टेट के लिए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 28 नवंबर को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसमें पेपर वन में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर मतलब 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी, और इसमें पेपर टू में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इन बातों का रखें खास ध्यान, इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होगा। दरअसल इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाते समय अपना एडमिट कार्ड पहले दोस्तों रखना है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति और प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति या संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति ले जाना होगा। जो अभ्यर्थी इन प्रमाण पत्रों को नहीं ले जाएंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र पर प्रवेश
नहीं मिलेगा। तो मतलब दोस्तों जितने भी चोचले होते हैं भैया वो यूपी टेट के लिए ही होते हैं, मतलब बच्चों को मानसिक तौर पर परेशान करने की इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब बताइए यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर ये चाहते तो सिंपल सी बात कह देते भैया आप अपना एडमिट कार्ड लेकर आइए पेपर देकर जाइए, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट लाना है, वो रिजल्ट लेके आना, उसके बाद उसको अटेस्ट भी कराना। मतलब आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति ले जाना होगा। मतलब दोस्त इन्होंने ठेका ले रखा है कि हम बच्चों को परेशान करेंगे, वो भी मानसिक तौर पर। मान लेते कि कोई बच्चे, देखिए पहले तो वेबसाइट डाउन चल रही थी, काफी दिन दोस्तों लग गया बच्चों को मतलब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, उसके बाद ये सब चीजें, ठीक है। तो फिलहाल दोस्त यहाँ सरकार को चाहिए, जी हाँ दोस्त हम सरकार की बात करें कि थोड़ा सा ढीला रवैया करें कि किसी बच्चे का पेपर छूटे ना, और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ऐसा करें कि सिर्फ बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए, ठीक है। बाकी कोई मतलब ना रखे कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालो पासवर्ड डालो, जी हाँ दोस्तों थोड़ा सा ढीला रवैया करना चाहिए ताकि किसी बच्चे का पेपर छूटे ना। देखिए मेन मुद्दा यहाँ पर यही है। उसके बाद देखिए अगली अपडेट आई कि प्रयागराज से होगी टीईटी की ऑनलाइन निगरानी, आज होने वाली बैठक में दोस्तों समझाया जाएंगे जिम्मेदारी। अपडेट रायबरेली से है कि इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की निगरानी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से भी होगी। पहले की तरह दोस्तों सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत कई अफसर निरीक्षण करेंगे, लेकिन इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। यह परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में कराई जाएगी, जिसमें 226,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम परीक्षा निवारक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज में बनाया गया है, जहां से दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा सकेगी। इसलिए दोस्तों सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य संसाधनों से लैस किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थी पहुंचे जनता दरबार, ये दोस्तों अपडेट लखनऊ से आ रही है। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के उत्तर कुंजी प्रकरण के अभ्यर्थी बुधवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचे। अभ्यर्थियों ने वहां मौजूद अधिकारियों को विवादित परिभाषा प्रश्न पर इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा याचियों के पक्ष में 1 नंबर दिए जाने के फैसले से अवगत कराया। अभ्यर्थी कृष्णा सिंह ने बताया कि अधिकारियों को मांग पत्र सौंपकर न्यायालय के अनुसार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जिला आवंटन सूची जारी करने की मांग की गई है। तो दोस्तों अभी आप लोग यूपी टेट का पेपर देंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके दो दो विकल्प सही होंगे, लेकिन बाद में आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो ये यूपी टेट में बहुत आम सी बात है। अभी आपको जब इतना परेशान किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट लाना है वो डॉक्यूमेंट लाना है, इनको सिंपल था बोलना चाहिए एडमिट कार्ड लेकर आओ और एक आईडी प्रूफ लेकर आओ, बस बात खत्म। लेकिन नहीं, इनके भैया मांग बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और दोस्तों बच्चे इस बात से बेहद नाराज हो गए कि पेपर 1 का दोस्तों पेपर अलग हो रहा, पेपर 2 का पेपर अलग हो रहा। मतलब इनको यही चाहिए था कि पेपर 1 और पेपर 2 का एडमिट कार्ड जो था वो एक ही माना चाहिए, मतलब मेन मुद्दा था एडमिट कार्ड को लेकर, दो एडमिट कार्ड आखिर ये क्यों जारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।